हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूँ आपका स्माइल में। दोस्तों, आपने देखा हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री की। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए यानी कि 3 एक्सरसाइज का मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया होमवर्क करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया। अगर नहीं किया तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइए, सर हमसे नहीं हुआ या हमने नहीं किया, तो मैं आपको वरना फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करूँ। वरना हम आज स्टार्ट करेंगे स्वर समीकाएँ, ठीक है। जो स्वर समीकाएँ हमें जो आपके सिलेबस के अनुसार दी गई है, मैं चाहता हूँ आपको कि 70 में से 70 क्वेश्चन आप भरपूर यानी कि आप 70 में से 70 मार्क्स आसानी से ला पाए, ठीक है दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्वर समीकाएँ, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक। स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्वर समीकाएँ। क्या बच्चों? स्वर समीकरण, स्वर समीकरण, स्वर समीकरण, ठीक है दोस्तों। क्या याद करते हैं स्वर समीकरण? स्वर समीकरण कौन कौन सी है हमारे पास? आप एक बार देखते हैं इसको बनाने के, ठीक है। आपको पता है जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हमें क्या तीन कोण, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्या समकोण डिग्री, ठीक है। यानी कि समकोण त्रिभुज, ट्रायंगल हो समकोण, ठीक। यह है ए, यह है बी, यह है सी, ठीक है। ये कोण कितना? 90 डिग्री। इसके ठीक सामने की भुजा कौन सी? ये क्या होगी? इसके ठीक सामने की भुजा ये होगी क्या? कर्ण, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, अगर हम ये कोण ले रहे हैं, ठीक है, तो ठीक इसके सामने की ये भुजा क्या होगी? लंब, और बच्ची से इस भुजा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम आर्क। उसको क्या कहेंगे? आर्क, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? पाइथागोरस पर में लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस पर में। हम एक बार एक फॉर्मूला बनाना सीख गए, वरना बाकी सब हम उसी के आधार पर सबको सॉल्व कर रहे हैं। अब हमने देखा क्या क्या लगाएंगे? पाइथागोरस पर में के अनुसार, ठीक है। पाइथागोरस पर में के अनुसार करेंगे। अब पाइथागोरस पर में है क्या हमारी? यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या है? लंब का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों? नहीं, ठीक है। अब हमने देखा कर्ण क्या है हमारे पास? ए सी, यानी कि ए सी का स्क्वायर। तो आधार कितना है हमारे पास? आधार है बी। कितना? ए बी, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब कितना है हमारे पास? हमने देखा बी सी का स्क्वायर। अब हमने यहाँ तक देखा, अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है वो देखना है। हमें क्या करना है? इधर इक्वल एक बनाना है। तो हम क्या करेंगे? सभी में कर्ण से भाग कर देंगे। कर्ण के स्क्वायर से क्या करेंगे? कर्ण के वर्ग, कर्ण के वर्ग से समीकरण नंबर फर्स्ट वन, समीकरण एक, कर्ण के वर्ग से समीकरण एक में भाग देने पर, ठीक है। क्या कर रहे हैं? भाग देने, ठीक है। जब हम भाग देने यानी क्या कर रहे हैं? भाग। अब हमने देखा ये ए सी का स्क्वायर सेम बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब हमने देखा ए सी यानी कर्ण का स्क्वायर कितना है हमारे पास? ए सी, तो यानी ए सी का स्क्वायर से बात कर रहे हैं, ठीक है। और ए यानी ए सी का स्क्वायर से और ए बी सी का स्क्वायर से, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने देखा क्या
इस एसी से ये एसी पूरा का पूरा क्या हुआ, कैंसिल। ठीक है, इस एसी से पूरा का पूरा क्या हुआ, कैंसिल। तब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है वन इक्वल ए बी अपॉन ए सी कर सकते हैं ना, पूरे का वर्ग क्योंकि दोनों का वर्ग हो रहा, प्लस इसको हम बी सी बटे ए सी कर सकते हैं, इसका पूरे का वर्ग। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमें बताया क्या हो रहा है, लंब बटे कर्ण, नहीं आधार बटे क्या है, कर्ण, आधार बटे कर्ण। ए बी बटे क्या है, आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण क्या होता है, को क्या होता है, तो वन बराबर के हमने इसको क्या लिखा, हम इसको लिखते हैं क्या, कोस ए, क्योंकि ए है यहाँ। ठीक है, अब स्क्वायर इसका है तो उसका भी स्क्वायर होगा, प्लस अब बी सी अपॉन ए सी, यानी कि बी सी लंब अपॉन क्या है, ए सी यानी कि कर्ण। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए, और ये हमारी क्या है, फर्स्ट स्वर समीकरण। ये कौन सी है हमारी, फर्स्ट स्वर समीकरण। हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, यानी कि सिद्ध कर दिया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल होगा वन। ये क्या है हमारी, फर्स्ट स्वर समीकरण। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव, क्या कर दिया हमने, सिद्ध कर दिया इसको। ठीक है, इस प्रकार कर रहा हमने सिर्फ एक चित्र बनाया, त्रिभुज, और आप इसके बारे में लिख भी सकते हो, यानी कि ए सी क्या है, एक कर्ण है, और बी सी क्या है, एक लंब है, एक त्रिभुज लिया हमने ए बी सी। ठीक है, और वरना आप इसको सेम इस प्रकार से कर सकते हैं, वरना सोल्व करने के लिए नहीं आएगा, बस आपको स्वर समीकरण पता होनी चाहिए कौन सी है कौन सी नहीं है। साइन स्क्वायर ए की जगह यहाँ एंगल है, ठीक है, इवन थीटा कर दिया सॉरी, क्योंकि एंगल एक ही होना चाहिए, चाहे ए हो चाहे थीटा हो। अब ये एंगल है, ए है, ये ए है, यहाँ इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, थीटा फाई, ठीक है, गामा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हमने देखा फर्स्ट सोल्व कर लिए, अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट से देखना हम कैसे और सर्व समीकरण बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा है स्वर समीकरण कर लिए हम, अब करते हैं और नेक्स्ट स्वर समीकरण। अब हम इसको कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, स्वर समीकरण हमने फर्स्ट क्या किया, आपकी साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है वन। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल वन होता है। अब हमने देखना है इससे हम कैसे समीकरण और समीकरण बनाते हैं। अब हमें अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, एक तो स्वर समीकरण हो चुकी है हमारे पास ये, इससे हम और इस प्रकार से मान निकाल सकते हैं कोस के पदों। ठीक है, हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो हम cos स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल, ये cos स्क्वायर ये उधर जाएगा, ये तो वन सेम रहेगा, ये उधर जाएगा होगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो आ चुकी है ये, अगर हमें यहाँ से cos थीटा की वैल्यू चाहिए सेम ओनली cos थीटा की, तो हम cos थीटा ये तो स्क्वायर है, ये वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब हमने देखा क्या, ये तो स्क्वायर था तो सेम वैल्यू थी, ये एक वैल्यू थी यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो चुकी है, अब हमारे पास क्या है, यानी कि स्क्वायर खत्म है, तो स्क्वायर दूसरे के कहने में जाता है रूट में, तो क्या रूट, तो यानी कि हमारे पास कोस की कितनी वैल्यू आ चुकी है, दो, एक ही स्वर समीकरण है। ठीक है, एक ही स्वर समीकरण है हमारे पास, कोस की कितनी है, एक तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होगा, और एक कोस थीटा बराबर के वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा का पूरे का रूट, क्योंकि स्क्वायर है तो दूसरे का रूट में ही आएगा। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ किस प्रकार बनती है। ठीक है, वरना आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन
आपको अच्छे से तब याद होगी जब आपको बनानी आएगी, यानी कि आपकी अगर समझ में आई तो आप अच्छे से लर्न कर सको। ठीक है, इस प्रकार हमने कॉस थीटा के लिए देखा। अब हम साइन थीटा यानी कि साइन के फॉर्म में देखते हैं। अब हमने देखा साइन है तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा के लिए निकालेंगे हम वैल्यू, तो ये वन तो सेम रहेगा, उधर जाके कोस क्या होगा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, एक वैल्यू तो हमारे पास ही आ चुकी है। अब निकाल लेंगे क्या साइन के लिए ओनली साइन थीटा, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, अब निकाल लेंगे ओनली साइन थीटा वन माइनस के कोस स्क्वायर थीटा है और ये जाएगा रूट में हो जाएगा यानी कि उधर जाएगा इसके लिए। तो हमारे पास कितनी समीकरण आ चुकी है, हमारे पास एक समीकरण से कितने मान निकाल सके, मान निकाल सकते हैं हम एक दो तीन चार। ठीक है, कितने चार, यानी कि कुछ भी दे सके हमें इस ओनली वन समीकरण से। ये फर्स्ट नंबर की है स्वर रेखा, कौन से नंबर की है फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब हमने देखा फर्स्ट से इन चारों के मान हमने कैसे निकाले। अब हम करते हैं सेकंड स्वर संहिता, कौन सी सेकंड नंबर की स्वर संहिता। ठीक है दोस्तों, तो अब शोर करते हैं सेकंड नंबर की स्वर संहिता को। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों तैयार रहे बिल्कुल। अब देखते हैं स्वर संहिता सेकंड नंबर, इसको कर देते हैं क्या किया मैंने। अब पढ़ते हैं सेकंड नंबर की स्वर संहिता, सेकंड नंबर की स्वर संहिता sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होगा वन। इस सेकंड नंबर की स्वर संहिता कौन से नंबर की है, सेकंड नंबर की स्वर संहिता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो sec स्क्वायर थीटा सेकंड नंबर है, कौन सा नंबर है सेकंड। अगर sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी ठीक है तो ये वन और ये टेन उधर जाके प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो हमारे पास मान आ चुका है ही, यानी कि सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगा चाहिए और ये। ठीक है, तो हम उसको डायरेक्टली वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और एक हमारे पास मान और आएगा, यानी कि क्या करेंगे सेकंड स्क्वायर थीटा में स्क्वायर नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि अभी स्क्वायर तो हम रूट में बचाना है, तो वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा और ये रूल। हमारे पास ये दो मान आ चुके हैं, और अब हमें क्या है tan की वैल्यू निकालनी है, तो हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो tan माइनस का है तो tan को हम उधर लेके जाएंगे और इस वन को इधर, तो यानी कि हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा ये माइनस ये वन है तो इधर आ गया माइनस का और ये एक tan स्क्वायर की वैल्यू तो आ चुकी है, tan स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे tan स्क्वायर थीटा इक्वल स्क्वायर नहीं लगाएंगे अब, क्योंकि स्क्वायर को हमें रूट में बचाना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस के वन और इसका पूरे का रूट। ठीक है, अब हमारे पास कितनी आ चुकी है चार वैल्यू इससे हमने निकाल चुके, tan की दो निकाल ली हमने, tan थीटा की दो वैल्यू निकाल ली, sec थीटा की। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कितने आसानी से हमने इन चीज़ें इनको सॉल्व किया। आपको बस ये बनाना आना चाहिए, वरना याद तो आप अपने आप हो जाएगी, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी उंगलियों को होगी सब कुछ। ठीक है, तो आप एक बार इसको इसका स्क्रीन शॉट लें, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं थ्री नंबर की स्वर संहिता, और थ्री नंबर की स्वर संहिता, और थ्री नंबर की स्वर संहिता है हमारे पास, थ्री नंबर क्या है cot sec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा इक्वल होता है वन। ये है हमारे पास थ्री नंबर की स्वर संहिता। ठीक है, अब आप डायरेक्टली लिखो, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब ये क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल होगा वन प्लस के
कोट स्क्वायर थीटा, एक तो हमारे पास ये मान आ चुका है और एक कोसेक स्क्वायर में स्क्वायर हटाएंगे इस बार, कोसेक थीटा की वैल्यू 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा तो दूर में जाएगा, एक वैल्यू ये आ चुकी है इसकी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक वैल्यू निकालेंगे हम, कौन सी, एक टेन कोट की, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा और यह होगा माइनस के बाद, एक वैल्यू यह आ चुकी है। और एक निकाल लेंगे कोट थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के बाद और इसके पूरे का रूट, इसका पूरे का। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि चार हमने सोल्व कर लिए, चारों इस थ्री का भी हमने निकाला। अब हमारे पास कितनी स्वर समीकरण थी, पहले नंबर की स्वर समीकरण थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल वन। अब हमारे पास सेकंड नंबर की स्वर समीकरण, इनके सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल वन। और थर्ड नंबर की स्वर समीकरण, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है वन। ये हमने तीन स्वर समीकरण और उनके चारों के चारों किस प्रकार मान निकलते हैं हमने सबने देख लिया। ठीक है, तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा स्वर समीकरण। अब टेन के एक एक मान और होता है टेन का, तो टेन का मान देख लो एक बार, टेन का मान, क्योंकि टेन और कोट में ही प्रॉब्लम होगी वरना किसी में प्रॉब्लम नहीं होगी। टेन स्क्वायर मान लो टेन थीटा है हमारे पास और ये हमें साइन थीटा, अब कोण कितना है कोस थीटा, हमने कोस थीटा की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, कोस थीटा की वैल्यू हमने दो निकाली थी, कोस थीटा की एक तो वैल्यू थी हमारे पास, चूटी करके लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा होता है एक बार वन माइनस की क्या साइन स्क्वायर थीटा, ये थी और एक थी कोस थीटा की वैल्यू अंडर रूट में क्या वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, एक वैल्यू ये थी। अब हम क्या रख सकते हैं इसकी वैल्यू, यानी कि साइन थीटा सेम रख सकते हैं। ठीक है, कोस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन के पदों में बनाने के लिए रूट वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होगी टेन थीटा की। ठीक है, अगर हमें टेन की वैल्यू कोस के पदों में चाहिए तो हम कोस साइन का मान रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये किसके पदों में है, यानी कि अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू कोस के पदों में चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू में साइन के पदों में चाहिए तो ये साइन के पदों में, अगर टेन थीटा की वैल्यू में कोस के पदों में चाहिए तो हम कोस के पदों में हम कैसे सोल्व करेंगे, एक बार आप टेन के पदों में भी देख लो। अब टेन थीटा है, टेन थीटा साइन थीटा को लिख सकते हैं वन, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं वन माइनस के, जैसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और अपॉन ही कोस थीटा कोस। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा किस प्रकार से हमने इनकी वैल्यू पुट अप की। ठीक है दोस्तों, आप इन सब के मान निकालना आसानी से सीख चुके हैं। अब हम या तो मैं आपको आज एक क्वेश्चन करा, मैं आपको एक क्वेश्चन आपको उदाहरण के तौर पे करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, पढ़ना मैं चाहता हूँ आपको कि कल करम आप स्वर समीकरण खत्म हो चुकी है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। क्या करेंगे एग्जाम्पल नंबर करेंगे 13। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, एग्जाम्पल 13। ठीक है, और अगर एक्सरसाइज की बात करूं तो मैं एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है, ठीक है, एक्सरसाइज का 8.4, तो 8.4 का कौन सा है फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, क्या है और एग्जाम्पल ये दिया है हमें sec a ब्रैकेट
वन माइनस के साइन थीटा ब्रैकेट वन और किया है सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर होगा वन। ये सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी क्या करना है, सिद्ध सिद्ध कीजिए कि ठीक है, सिद्ध कीजिए कि sec a वन माइनस के sin थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल वन होगा। अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, देखो हमें इसमें वैल्यू पुट नहीं करनी चाहते, ठीक है, हमें क्या करना है यानी कि sec थीटा प्लस हमें क्या करना है तोड़ दे जाना है। अब देखा हमने क्या ली l h s, क्या लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हमने क्या sec a लिया, वन माइनस के साइन थीटा लिया और क्या sec थीटा प्लस के tan थीटा, ठीक है, ये हमारे पास आ चुकी है समीकरण नंबर पास नहीं एल एच एस आ चुकी है हमारे पास। अब sec थीटा को हम वन अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, ये थीटा है, ठीक है, थीटा है, इसको हमने सेम रखा वन माइनस के साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा को अगर cos में तोड़ेंगे तो फिर हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें अब sec थीटा को हमने क्या लिखा cos थीटा प्लस के tan थीटा को हमने साइन थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। अब हमने देखा इसकी गुना यहाँ पे होगी तो यानी कि वन माइनस के क्या साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो चुका है एक तो, और एक हो चुका है क्या हमारे पास ये, यानी कि हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा cos थीटा, क्योंकि हर दोनों का सेम है तो वन प्लस के साइन थीटा। अब दोनों की क्या करनी है गुना, अब हमने देखा है क्या हो रहा है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगा के यानी कि छुट्टी करके लिखते हैं a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस के b, तो होगा इक्वल क्या a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ये हमने लिखा। अब हमने देखा साइन थीटा माइनस के तो वन, यानी कि वन का स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसके, और इसे क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कोस थीटा की कोस थीटा में वैल्यू गुना होगी तो क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको लिख सकते हैं, अब वन को वन का स्क्वायर लिखे चाहे कुछ भी लिखे तो वन लिखेगा, तो वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है अभी मैंने आपको बताया स्वर संहिता से फर्स्ट पे, तो उसकी वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा और अपॉन ए cos स्क्वायर थीटा से, तो देखा हम ये कैंसिल तो कितना आ चुका है वो, और क्या आ चुका है इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड, तो ये क्या कर रहा था हमें क्या करना था ये हमें सिद्ध कर, ठीक है। हमने देखा दोस्तों एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमने एक कंप्लीट कर लिया है, एग्जांपल नंबर कंप्लीट कर लिया है, एग्जांपल बुक के अनुसार है थ्री एग्जांपल और एक्सरसाइज के अनुसार है वन, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपना समय पर कोर्स कंप्लीट कर सकें, ठीक है। दोस्तों हमारा टारगेट है आपको 70 में से 70 मार्क्स दिलाना, ठीक है। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल के साथ, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लग रही, ठीक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।